हाय फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स यूज होते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं, जिनका हमें आज फुल फॉर्म के बारे में बताना है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप लैन, वैन, मैन, HTTP, HTML, इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आइए हम कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे मोस्टली यूज होने वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो जैसे पहला हमारा वर्ड है PC, यानी कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट में PC बोल देते हैं, है ना। तो इसी के पार्ट्स के बारे में है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से। दूसरा वर्ड है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म लगभग मोस्टली सभी को पता होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU के अंदर ही हमारा ALU, CU, मदरबोर्ड, SMPS, ROM, BIOS, RAM, ROM, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स होते हैं, मतलब A to Z जो वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होते हैं, उसके अंदर के सभी वो पेरिफेरल डिवाइस CPU के द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं। इन्हें मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर सभी से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं ALU। ALU मोस्टली क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है फुल फॉर्म इसका, जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा है CU। CU यूज होता है कंट्रोल यूनिट के लिए, ठीक है। इसी कड़ी में अगला है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। PD, अधिकतर वर्ड आपने सुना होगा, तो PD हमारा पेन ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह CD है, CD हम कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम डाटा परमानेंटली रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है, CD, ROM, RAM, जैसे होता है CDR, CDRW, मतलब इसमें रीडेबल, राइटेबल या रीड ओनली मेमोरी टाइप का डाटा हम क्या करते हैं स्टोर कर सकते हैं, ना। तो इसी कड़ी में अगला वर्ड देखते हैं, जैसे CDR है, इसका रीडेबल होता है, मतलब एक बार जो डाटा इसमें लिख दिया जाता है वो रीड फ्लो फॉर्म में रहता है और उसे हम रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमारा CDRW है, जिसमें है कि हम किसी भी CD को लेके उसमें डाटा क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, ना। तो नेक्स्ट है DVD, जो होता है आपने सुना होगा, फर्स्टली फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, देन आफ्टर CD आया, CD के बाद DVD आया। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है जो बढ़ती जा रही है ना। तो DVD मोर देन डाटा स्टोर कर सकते हैं CD से, CD मोर देन डाटा स्टोर कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क से। तो DVD फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। इसी तरह DVD-R होता है, या डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है, रीडेबल वर्जन होता है ना। DVD-RW क्या होता है, रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी कड़ी में अगला वर्ड है हमारा SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि एक बॉक्स की तरह होता है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है वो। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा SMPS है, ठीक है। ये USB ड्राइव है, ये CD DVD राइटर है, ये LCD स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है। तो अगला इसी कड़ी में अगला वर्ड हमारा UPS। UPS के बारे में आपको पता ही होगा, वो क्या करता है कि इमरजेंसी लाइट के रूप में कार्य करता है हमारा। यदि अचानक से लाइट गोल हो जाती है, जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है कुछ समय तक लाइट को बना के रखता है, ताकि हम जो वर्किंग कर रहे हैं उसको पूरा कर सकें, सेव करके डाटा को सेव कर सकें। इसका चित्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपका UPS है, जो कि इमरजेंसी के रूप में लाइट को प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसी कड़ी में अगला वर्ड है CD, जो कि कंपैक्ट डिस्क ड्राइव होता है शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह VCD, DVD होता है। तो ये सभी क्या है, ड्राइव से रिलेटेड है। FDD होता है, जो कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है इंस्टॉल किया जाता है, एक मतलब हार्डवेयर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी CD या DVD को उसमें क्या कर सकते हैं,
इंस्टॉल मतलब इंसर्ट करके उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VCR। आपने पुराने समय में सुना होगा VCR क्या होती, कैसेट की तरह ही वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हुआ करती थी, जिसके द्वारा मतलब टीवी पे क्या करते थे, वीडियो प्ले किया जाता था, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके उसको प्ले कर सकते थे। इसी कड़ी में अगला हमारा वर्ड है वाईफाई। ये मोस्ट पॉपुलर, इसके लोग सभी को पता होता है, क्योंकि ये वायरलेस डिवाइस के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस को अपने मोबाइल से या लैपटॉप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, जिसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या कोई डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह क्या करता है, यह भी एक कनेक्टिविटी के रूप में कार्य करता है, और लोकल एरिया मतलब एक छोटे से एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, किसी शहर को जोड़ना है, किसी कस्बे को जोड़ना है, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगला वर्ल्ड है वैन। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे एक देश से दूसरे देश को अगर जोड़ना हो इंटरनेट के माध्यम से, तो हम वैन का यूज कर सकते हैं। फिर अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह भी वैन की तरह ही वर्किंग में है, नेटवर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, जो कि करंट में वर्किंग जो हम कर रहे थे उस पर ये किया जाता है। जैसे ही हम पावर सप्लाई बंद होती है या प्रोग्राम क्लोज करते हैं, इसका डाटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। फिर अगला हमारा वर्ड रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो इसमें डाटा स्टोरेज होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रीडेबल फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस से लेके लोडिंग तक की जो प्रोसेस होती है, सभी इंफॉर्मेशन की इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, रोम में स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। तो रैम और रोम का हम क्या कर रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। जो लंबी डिवाइस होती है वो रैम होती है, और एक छोटा सा चिप प्रोसेसिंग की तरफ होता है वो क्या होता है, रोम होता है। तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये आपको बड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, ये रैम है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए जाना जाता है। और दूसरा जो वर्ड है रोम, वो एक चिप के रूप में हमारे मदरबोर्ड से अटैच रहता है, उसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसी कड़ी में अगला वर्ड है HTTP, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने कभी भी कोई भी जो साइड URL टाइप किया हो कभी URL बार में, एड्रेस बार में, तो आपको फर्स्ट में HTTP लिख के आता है, फिर डबल स्लैश बनता है, उसके बाद उसका एड्रेस लिख के दिखाता है। इसी कड़ी में अगला वर्ड है HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कार्य कर सकती है, और इसे हम HTML एक्सप्लोर सर्वर पे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में अगला वर्ड है WWW। इसकी को टीम बर्नर्स ने लिखी थी, और यह इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यह किसी वेबसाइट मतलब साइट पहुंचने के लिए पहला वर्ड होता है। फिर अगला वर्ड देखते हैं URL। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी उस ये URL एड्रेस क्या करता है, उस पार्टिकुलर लोकेशन हमें ले जाता है और वेबसाइट पर ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं, जो एड्रेस हमने टाइप किया है। फिर अगला वर्ड है हमारा DBMS। यह क्या होता है, डाटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ होता है, एक मतलब सॉफ्टवेयर टाइप का DBMS, मतलब एक कह सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी डाटाबेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह डाटाबेस क्रिएट करने के लिए DBMS का यूज़ किया जाता है। इसी का दूसरा पार्ट है RDBMS, जो कि एक डाटा को दूसरे डाटा के बीच कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, रिलेशन बताने के लिए ये RDBMS यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला वर्ड है ASP। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। यह भी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे जावा इसकी तरह ये भी है। यह क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग को विंडो फॉर्म में अवेलेबल कराता, ताकि इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। अगला है VB। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेस। यह भी एक लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दिखाई देने वाला एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और इसके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। फिर आता है HLL। यह हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है सिस्टम और ह्यूमन के बीच में। फिर अगला है LLL,
लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, मशीन कोड के रूप में डायरेक्टली इसमें इनपुट दिया जाता है और वह इसे मशीन आसानी से समझ लेता है। फिर अगला है MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज, यह लगभग LL के सिमिलर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को 01 के फॉर्म में इनपुट कराया जाता है। फिर अगला वर्ड है हमारा MICR, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मीन्स दैट कि जैसे कोई कोड होता है, कोड किस प्रकार से लिखा जाता है उसको क्या कर सकते हैं, एक बार कोड जैसे यूज होता है वैसे MICR भी होता है, उसको हम स्कैन करके उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कब बना है, कैसे बनाई, सब इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं MICR कोड के द्वारा हम उस इंक को स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है BCR, यह भी बार कोड होता है जो कि स्कैनर के द्वारा रीड किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। इसी तरह अगला वर्ड हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह क्या करता है, किसी भी जो कैरेक्टर होता है ऑप्टिकल फॉर्म में इसको रीड करता है। आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ब्लैक पेन से या पेंसिल से फिल करने के लिए जो सीट, आंसर सीट मिलती थी, वो इसको रीड करने के लिए OMR सीट उसको बोलते हैं, उसी को ये क्या करता है, रीड करता था, और इसी का फुल फॉर्म है OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर OCR क्या करता है, दिए गए फिल किए गए करेक्टर को क्या करता है, रीड करता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, इसी तरह होता है MB, KB और GB, ये क्या करते हैं, स्टोरेज नापने की यूनिट है, जो हमारा डाटा होता है तो कैसे नापा जाता है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में नापते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, इस तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 1 KB पर 1024 बाइट होता है, ठीक है, एक MB बराबर 1024 KB होता है। इसी तरह 1 GB में कितने हो, 1024 MB होते हैं। इस तरह ये हमारे प्रक्रिया बढ़ती जाती है, तो सबसे छोटी इकाई हम मानते हैं KB, और KB के बाद सबसे बड़ी हो जाती है TB। ठीक है, इसी में एक और चीज़ मैं मानने से ये बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यदि कहीं पे आपको स्क्रीन में M और कैपिटल B लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब होता है मेगा बिट। ठीक है, इसको मैं आपके इसमें लिख भी दे रहा हूँ, आप रिमार्क कर लीजिए इसको, मेगा बिट होता है। ठीक है, और जो MB कैपिटल में लिखा रहता है उसका मतलब होता है मेगा बाइट। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर एक्सेप्शन जो होते हैं वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाइट हो जाएगा। तो अगला वर्ड देखते हैं GB भी एक वर्ड है जो कि 0 byte के नाम से जाना जाता है। फिर अगला वर्ड है VDU, VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसी का नेक्स्ट वर्ड हमारा VGA। आपने कभी मॉनिटर को सेट करते हुए, एक केबल ग्रीन कलर की होती है, उसमें बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं, तो उसको हम VGA केबल बोलते हैं, उसके द्वारा ही वीडियो क्या होता है, हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। तो ये वर्ड हो जाएगा VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DTP, तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि जो हम डिजाइनिंग करते हैं डेस्कटॉप के लिए या किसी प्रोग्रामिंग के लिए, वो क्या कर सकते हैं, DTP के द्वारा हम आसानी से एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जो जो फील्ड हमको चाहिए उसमें ले सकते हैं, और इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं DTP के द्वारा। ठीक है, अगला वर्ड है ATM, ATM सभी को पता है, यह एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, जिसके द्वारा बिना किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना, तो कह सकते हैं कैश देने वाली मशीन होती है। अगला वर्ड है GPS, GPS लगभग हमारी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे हम GPS को ऑन करते हैं तो ये हमें इंडिकेट करने लगता है कि हम कहाँ पे भी हैं। GPS का सिंबल अधिकतर आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से बन के आता है। ठीक है, यानी कि लोकेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिम, सिम हमारे मोबाइल में यूज होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंक है, जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको, जो कि मोस्टली हमारे मोबाइल में कॉलिंग, नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह क्या होता है, सब्सक्राइबर पार्टी को, सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CDMA, तो इस ये भी CDMA, CDMA को तो लोकल एरिया के लिए यूज़ करते हैं, और GSM क्या होता है ग्लोबल होता है। तो CDMA को फुल फॉर्म हो जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मीन्स दैट हम इसको रिम भी बोलते थे, जिसमें सिम बगैर सिम के सिर्फ सेट हैंड एक हैंड से साथ ही CDMA फ़ोन यूज़ किया जाता था। पहले रिलायंस ने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद टाटा इंडिका ने लॉन्च किया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिम कार्ड को सिर्फ एक ही फ़ोन में चला सकते हैं, तो किसी दूसरे हैंडसेट में यूज नहीं कर सकते। तो उसी की कमियों को दूर करने के लिए GSM सिम कार्ड बनाया गया, जिसका ग्लोबल सर्विस मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, यानी कि इसको हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल के साथ हैंडसेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगला इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं 3G 4G और 5G, जो 3G और थर्ड जनरेशन की, 2G टू जनरेशन की, 4G फोर्थ जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन की, ये क्या टेक्नोलॉजी है जो हमारे मोबाइल में इंटरनेट के रूप में या कॉलिंग बैंड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है MIS, यह होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम को मैनेज करने के लिए MIS का यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आता है ई कॉम, आजकल अधिकतर ई कॉम प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम कोई भी मटेरियल परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है MBPS। आपने देखा होगा कि जो नेटवर्क सेलुलर प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम 10 MBPS की स्पीड दे रहे हैं, 100 MBPS की स्पीड दे रहे हैं, गीगा फाइबर, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपने सुना होगा। तो जो होता है MBPS क्या होता है, मेगा बाइट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने MB डाटा ट्रांसमिशन या रिसीविंग हो रही है, उसको हम MBPS बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CAD, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर अगला वर्ड है JPEG, जो कि हम पेंट में जो भी फाइल बनाते हैं JPG या बिट मैप फॉर्मेट, इमेजेस को सेव करने के लिए हम इस फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो JPG का फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। बिट मैप BMP जो होता है, बिट मैप का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्सल का, जो कि एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी के लिए यूज किया जा सकता है। AI यह मोस्टली यूज होने वाला टेक्नोलॉजी है, जो कि आजकल अधिकतर सभी चीज़ों में यूज की जाती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सेल्फ से मतलब डिसीजन ले सकता है अधिकतर कार्यों के लिए, जो उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, उसमें कर सकता है। अब अधिकतर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फीचर से लोडेड होते हैं, जिससे कि 10 मिनट में अगर हम कह दें कि हमारा ऑटोमेटिक फ्रिज बंद होना चाहिए या वॉशिंग मशीन 10 मिनट बंद हो जाना चाहिए, इंडक्शन 10 मिनट बंद हो जाना चाहिए, मोबाइल हमारा इतने समय बंद हो जाना चाहिए, तो ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क होते हैं, ठीक है। इसी में अगला वर्ड है AM, यह क्या होता है, एक्टिव मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है AM। फिर नेक्स्ट वर्ड है ईमेल, अगला वर्ड है हमारा ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो एक दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और हम ग्लोबली कहीं भी इसको मेल के माध्यम से कोई भी फाइल, फोटो या डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, एक ईमेल से दूसरे ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। इसी में एक वर्ड वो इम्पोर्टेंट होता है CC, यह क्या था, कार्बन कॉपी होता है, जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो अपन CC में रख के किसी दूसरे व्यक्ति को एक ही साथ एक मेल को कई सारे व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसी में एक वर्ड है BCC, जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी यदि हम किसी को नहीं दिखाना चाहते कोई मेल कि हमने किस किस व्यक्ति को भेजा है, तो उसे हम BCC में रख सकते, जिस व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहते कि हमने किस किस को भेजा है, जैसे CC में रखेंगे जिसको, तो वो सभी व्यक्ति दिखाएंगे किस किस व्यक्ति को भेजा गया है, लेकिन जैसे ही हम BCC में जिस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो BCC वाले बार में वो उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस CC वाले अकाउंट में नहीं दिखाएगा कि हमने किस किस को मेल भेजा है। इसी तरह एक अगला वर्ड है IBM, यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड काम करती है। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको सभी जानते हैं, अभी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की कंपनी है। अगला वर्ड हमारा विन, विंडो का शॉर्ट फॉर्म है। फिर BIOS, BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। फिर नेक्स्ट वर्ड है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED लाइट एमिटिंग डायोड है, TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर है, ये सभी क्या है, हमारे मॉनिटर की टेक्नोलॉजी। सबसे फर्स्ट में हम क्या करते थे कि CRT मॉनिटर यूज़ करते, जो बहुत ही बड़े डब्बे के आकार में होते थे। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हमें फ्लैट कंप्यूटर के रूप में
मिल गया, तो वो CRT, TFT, LCD ये सब उसकी टेक्नोलॉजी हैं जो कि डिस्प्ले पे बेस रहती हैं। फिर अगला वर्ड है IDU, लिक्विड डिस्प्ले डायोड, ये भी उसी से रिलेटेड है, CRT भी उसी से रिलेटेड है, कैथोड रे ट्यूब। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा ZIP, जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यह एक प्रोटोकॉल है जो कि पार्टिकुलर एरिया को बताता है, जैसे कि आपने ZIP कोड का नाम सुना है जो 6 डिजिट का होता है, जैसे मध्य प्रदेश अपने 486001 रीवा का हो गया, इस तरह अन्य देशों के, अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के अलग अलग ZIP कोड होते हैं जिसके द्वारा उसकी जोन की पहचान की जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है RIP, RIP मोस्टली डेड पर्सन के लिए यूज़ किया था, लेकिन सिस्टम में कुछ अलग इसका वर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रन टाइम इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगला वर्ड है OOP, ओप्स जिसको बोलते हैं, यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इसी में अगला वर्ड है, या हम कह सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस होती है। ठीक है, अगला वर्ड है ODBC, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, SQL, यह क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो कि एक डेवलपिंग लैंग्वेज है और मोस्ट यूज वाली लैंग्वेज है। फिर अगला वर्ड है सिम, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला वर्ड है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है PDF, जो कि ज़्यादातर यूज होने वाला वर्ड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट में कहीं भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है PPM, तो पेज पर मिनट, या क्या होता है, प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। तो अगला वर्ड हमारा PCL, इससे भी प्रिंटिंग से रिलेटेड, प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज, यह एक लैंग्वेज होती है जो प्रिंटिंग कमांड को जो भी हम देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वह वर्क परफॉर्म करती है कि किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है अच्छी है। अगला वर्ड है PDL, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज होता है फुल फॉर्म इसका POS, यह मोस्ट यूज होने वाला वर्ड है, आपने सुना होगा जो POS मशीन है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कार्ड के द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसके द्वारा कोई वस्तु भेजा जाता है वहाँ पे हम अपना कार्ड स्वैप करके अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है PSTN, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसी कड़ी में अगला वर्ड है BSNL, जो कि हमें सबसे प्रथम मतलब भारत में भारत कंपनी है नेटवर्क प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती थी बचपन में पुराने समय में, उसी तरह VSNL है, तो इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, यह भी भारत संचार के एक उपक्रम है जो विदेशों में संचार के लिए ISD, STD के अलावा कॉलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर अगला वर्ड है NOS, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर अगला वर्ड है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक कार्ड होता है जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला वर्ड है MSN, यह एक माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है फुल फॉर्म होता है इसका। MPI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यह एक ही समय में बहुत सारे इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि यह इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ये कुछ इमेजेस है जिसको आप देख सकते हैं, ये चार जो इमेजेस दिख रही हैं आपके लेफ्ट साइड में वो आपके CRT, TFT, LCD, LDU से रिलेटेड हैं। जो फर्स्ट हमारा दिख रहा है बड़ा सा वो क्या है, ये CRT मॉनिटर का है, ये UPS है, ये RAM ROM है, ये USB केबल है, ये CD/DVD ड्राइव है, ये क्या है, SMPS है जो कि आपको दिख रहा है, एक फ़ैन लगा रहता है इसमें। तो इस तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है, इसी तरह और इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के हमारे चैनल जुड़े रहें और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।